सबसे पहले तो मैं आपको नवरात्रि और विजय दशमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ नमस्कार न्यूज चैनल की ओर से। अब मैं आपका इतना नाम सुना है तो आप अपने बारे में कुछ प्लीज बताओ। विजयदशमी की आपको भी शुभकामना, बहुत बहुत बधाई हो विजयदशमी की। और मेरा इतना बड़ा नाम है लोगों ने करके रखा है लेकिन इतना कुछ किया नहीं है। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम गायत्री पचरंगिया है और मैं राजस्थान से पढ़ी लिखी थी और मैं बम्बई में आई, जॉइंट फैमिली में थी, थोड़े दिन घर संभाला मैंने। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि नहीं, वहाँ से आई हूँ, पढ़ी लिखी आई तो कुछ तो करूँ। यहाँ पर आके मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया घर से ही, टप्परवेयर का। फिर टप्परवेयर से मैंने उसमें इन्वॉल्व होती होती आगे 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 तक चली गई। फिर वहाँ पे भी मेरा मकसद यही था कि जो मेरे जैसी लेडीज है जो राजस्थान से पढ़ के आई है और बाकी और भी स्टेट से जो आई है लेकिन वो घर से बिजनेस नहीं कर सकती है, तो उनको मेरा ध्येय ये रहा कि मैं उनको घर से बिजनेस करवाऊँ, टप्परवेयर में इन्वॉल्व करूँ। तो मैंने टप्परवेयर में इन्वॉल्व किया, काफ़ी मेरी टीम उसमें बढ़ी और मैंने फॉरेन टारगेट इसमें अचीव किया है। मलेशिया गई हूँ, मकाओ गई हूँ, हांगकॉन्ग गई हूँ, वहाँ से बहुत कुछ मैंने अचीव किया। फिर ऐसे ही नेटवर्किंग मार्केट में ज्वेलरी की आया बिजनेस, तो वो भी मैंने किया, वो भी अचीव किया। वहाँ से मैंने श्रीलंका की ट्रिप अचीव की है और फिर ये बहुत सारी कंपनियां मैंने नेटवर्किंग मार्केट की ज्वाइन की और अपनी टीम को जो राजस्थान की मेरी महिलाएं हैं जो घर में बैठी हैं उनको मैंने ये मेरे साथ में इन्वॉल्व किया, उनको अच्छा लगा। लेकिन फिर मेरे को मैंने सोचा है कि चलो ये तो सब मैंने अपने लिए किया है लेकिन मैं समाज के लिए क्या करूँ। फिर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपका काफ़ी नाम है समाज में लेकिन आप उसमें क्यों जुड़े, हाँ, और लोग को क्या क्या बेनिफिट आपने दिया? वही उर्मिला जी, मेरे को समाज में मिलने का यही था कि मैं मेरे लिए तो बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन मैं समाज के लिए भी करूं। कि जैसे आज मैं राजस्थान से आई हूं और यहां पे एक अकेलेपन में रहती हूं, वैसे ही दूसरों को जो अकेलापन महसूस होता है उसको मैंने, जो औरतें हैं उनको मैंने बाहर निकाला, वो समाज से जोड़ा। तो पहले तो मैंने अपने समाज में मैं इन्वॉल्व हुई, जो गौड़ ब्राह्मण समाज है वहाँ पर मैंने 2 साल तक काम किया, औरतों के साथ में काम किया, समाज के लिए काम किया, छोटे मोटे जो सामाजिक कार्य रहते हैं वो किए। तो वहाँ पे मेरे को महिला अध्यक्ष की पोस्ट मिली और वो पोस्ट मैं संभालते हुए उसमें थी। फिर मेरे को मन में आया कि चलो ठीक है, अपना समाज है, डेवलप हो रहा है लेकिन दूसरे जो अदर समाज है उनका क्या। तो फिर मेरे दिल में ये आया कि मैं सारे समाज को साथ लेके चलूँ, पूरे राजस्थान समाज को साथ में लेके चलूँ। तो मैंने राजस्थान का जो राजस्थान के जो अग्रवाल, महेश्वरी, जो अपने अदर अदर वो जो समाज से हैं सारे, लेकिन है तो पूरे मारवाड़ी ना, है तो राजस्थानी ना सब, तो उनको साथ लेके मैंने एक बहुत बड़ा छोटे से रूप में शुरू किया था गणगौर का प्रोग्राम, वो मेरा सक्सेस हुआ। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने 30 का प्रोग्राम किया हॉल में, वो मेरा सक्सेस हुआ। और ये बार तो मेरे को इतनी गैदरिंग मिली कि मेरा जो हॉल है वो छोटा पड़ गया, सब लोग बोले कि बड़े रूप में बड़े पैमाने, तो मेरे को बहुत खुशी हुई कि मैं 4 लेडीज़ को साथ में लेके चली थी। आज मेरे पास में कम से कम हज़ारों की तादाद में लेडीज़ है और सब मेरे को, मैं उनको पसंद करती, वो मेरे को पसंद करती है, उनके जो भी छोटे मोटे कार्य रहते हैं, काम रहते हैं, वो मैं मेरे हिसाब से जो मेरे से हो ज़्यादा अच्छा होता है वो मैं करती हूँ। और अच्छा लगता है मेरे को समाज में आके, समाज के जो अपनी राजस्थान की संस्कृति वहाँ पे जो लुप्त हुई है वो यहाँ पे आके अपन कैसे ज़िंदा रख सकते हैं, वही राजस्थान की संस्कृति को अपन बाहर त्यौहार हंसती मजी, अपने राजस्थान में तो सारे पता है ना कि हर महीने त्यौहार रहते हैं, तो वो त्यौहार को अपन कैसे जीते हैं, ये मैंने समाज में सारी औरतों को साथ में लेके और वो किया है कि मेरे साथ में मैं इंजॉय करूँ और करवाऊँ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाह रही हूँ, आपको डांस का शौक कहाँ से है? डांस तो आपका देखने लायक था, मैंने 3-4 वीडियो आपका देखा। नहीं, वो तो अपनी संस्कृति का है, अपने घूमर डांस राजस्थान का, देखो पद्मावती आई है तो उसमें अपने घूमर डांस तो बहुत फेमस है अपने राजस्थान का, और राजस्थान के जो फोक डांस है वो भी सारे बहुत फेमस है। तो वहीं राजस्थान में पले बड़े हैं, वहाँ की संस्कृति को जिया है, स्कूल में, कॉलेज में सब किया है, घरों में, तो वही चीज़ है। और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को डांस करके, और मेरे को डांस करने से ज़्यादा डांस जो दूसरे लोग करते हैं उनको सिखाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, कि जैसा मैं डांस करती हूँ वैसे और भी मेरे साथ में आए और वो लोग खुल के जिए डांस करते हैं। आपके बच्चे खुश हैं, पति खुश है, आप दिन भर बाहर रहते हो तो?
इसमें मैं मेरी फैमिली को, मेरे विशेषकर मेरे पति को और मेरे बेटे को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी कि हर चीज़ में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। तो ये चीज़ के लिए मैं बहुत मेरे पति को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हर पल मेरा साथ दिया है, और आशा करती हूँ हमेशा साथ देते रहेंगे। जितना टाइम मैं मेरे घर में देती हूँ उतना ही टाइम मैं समाज में दूँ, और समाज की औरतों को मैं कोई भी चीज़ से बाहर निकालूँ तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझूँगी। आगे आपका क्या प्लान है? जीवो और जीने दो, मस्ती करो और मस्ती कराओ। देखो इतनी टेंशन भरी लाइफ है, उसमें दो पल अपने को खुशी के मिल जाते हैं। किसी को रुलाना बहुत छोटा सा काम है, लेकिन किसी को हंसाना बहुत बड़ा काम है। तो वो ही है कि लोगों के चेहरे पे मैं मेरे थ्रू हंसी लेके आऊँ, यही मेरा लक्ष्य। आप जैसे पुरुष हैं तो ही लेडीज आगे बढ़ सकती है। गायत्री जी जो बड़ी है आगे, वो उनके पीछे आपका ही हाथ है, आपका क्या करना है? आपको कैसे? नहीं देखिए, हाथ समय का है, मैंने कभी उसका उसको रोका नहीं, कभी टोका नहीं, क्योंकि गलत तो कर नहीं, घर पे बैठ के अच्छा काम कर रही है और समाज के लिए काम कर रही है। इससे क्या कि इसका मन भी लगा रहता है, ऐसे कामों में इसका मन ज़्यादा लगता है। अभी हम तो सुबह काम पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन ये घर पे बैठ के अपना कुछ ना कुछ समाज सेवा है, काम है, वो करते रहती है। मेरा लड़का भी सपोर्ट करता है, लड़के को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो बस उसी हिसाब से रूटीन बनते गया, चलते गए। अभी कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब तो काफ़ी आगे चली गई, तो बात ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।